तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका मतलब न्यू नोट की वैल्यू दी हुई है, फ्रॉम मेटल इज 10^15 सेकेंड इनवर्स, ठीक है इतना दिया हुआ है हमें। देन फाइंड आउट द वर्क फंक्शन फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर हमें बोला है कि वर्क फंक्शन निकालना है, तो काफी सिंपल सी चीज है। वर्क फंक्शन के लिए सीधा सा फॉर्मूला होता है एच न्यू नोट। वर्क फंक्शन का मतलब है कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो W इक्वल्स टू एच न्यू नोट, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10^-34 इंटू न्यू नोट की वैल्यू है 10^15, मैंने यहां पर पुट किया। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10^-34 प्लस 15, ये 5 है, ये 15 है, तो ये हो जाएगा 10^-19। ये आएगा ऑफकोर्स जूल के अंदर, एक टाइप का एनर्जी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करवाया है, समझ में आया होगा कि पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। सिंपल, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देके वर्क फंक्शन ऑफ मेटल की वैल्यू यहाँ पे हमसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते हुए जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज 10^15। यहां पर भी फर्म है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट दिया हुआ है 10^15 सेकंड इनवर्स, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है हमें किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी का। व्हेन द मेटल इज इरेडिएटेड विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 इंटू 10^15 सेकंड इनवर्स एंड सेकंड 2 इंटू 10^15 सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई मेटल है उस पर दो टाइप की रेडिएशन हम भेज रहे हैं, एक भेज रहे हैं 1.5 इंटू 10^15 वाली, एक भेज रहे हैं 2 इंटू 10^15 वाली, तो ऑफकोर्स दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो डिफरेंट होगा, तो उनका रेशियो में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक को मैं न्यू वन नाम दे देता हूँ, न्यू वन की वैल्यू है 1.5 इंटू 10^15, और एक और को बोल देता हूँ मैं न्यू टू जिसकी वैल्यू है 2 इंटू 10^15। आई होप क्लियर हुआ होगा। पहले का काइनेटिक अगर एनर्जी में लिखूं तो उसको मैं KE1 बोल देता हूं, पहले का काइनेटिक एनर्जी KE1 है, ये हो जाएगा एच न्यू वन माइनस एच न्यू नोट, ठीक है। अब ये न्यू नोट है ना, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, तो मेटल हमने सेम रखा है, बस हम फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हैं लाइट की, तो मेटल के लिए ये न्यू नोट की वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम आएगी। KE1 मैंने लिख दिया, KE2 क्या होगा, एच न्यू टू माइनस एच न्यू नोट, ये चीज क्लियर है। बस इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो KE1 बाय KE2 मैंने कर दिए, कोई डाउट तो नहीं यहां तक, आई होप। ये हो जाएगा एच न्यू वन माइनस एच न्यू नोट डिवाइडेड बाय एच न्यू टू माइनस एच न्यू नोट। चेक करोगे, ऊपर से भी एच कॉमन लिया, नीचे से भी एच कॉमन लिया, एच न्यू वन माइनस न्यू नोट डिवाइडेड बाय एच न्यू टू माइनस न्यू नोट, एच से एच कैंसिल किया, चीज क्लियर है। अब वैल्यू पुट करते हैं, न्यू वन की वैल्यू है 1.5 इंटू 10^15, तो 1.5 इंटू 10^15 माइनस न्यू नोट है 10^15 डिवाइडेड बाय न्यू टू है ये 2 इंटू 10^15 माइनस 10^15, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है। 10^15 कॉमन ले लेते हैं, 10^15 कॉमन लिया, ये आया 1.5 माइनस 1, ठीक है 1.5, यहाँ पे ये इनटू 1 लिखा हुआ है। इसी तरीके से 10^15 कॉमन लिया तो ये आया 2 माइनस 1, चीज क्लियर है, यहाँ पे 2 है, ये इनटू 1 लिखा हुआ है। 10^15 से 10^15 कैंसिल हुआ, थोड़ा सा इस चीज को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं तुम लोगों को ध्यान से देखना, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 का जो रेशियो आएगा वो निकल के आएगा तुम्हारे पास 0.5/1, तो आंसर आएगा हाफ, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आएगा वो आएगा 1/2। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यू नोट दिया हुआ था, न्यू वन न्यू टू दिया हुआ था, सेम मेटल है इसकी वजह से न्यू नोट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि न्यू नोट एक तरीके से प्रॉपर्टी या वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी, ठीक है, न्यू नोट एक मेटल की प्रॉपर्टी है कि उसको उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी एनर्जी हमें चाहिए, कितनी फ्रिक्वेंसी की लाइट हमें चाहिए,
तो वो न्यू नोट की वैल्यू दी हुई थी, तो हर कंडीशन में न्यू नोट मैंने सेम रखा, न्यू वन और न्यू टू को डिफरेंट रख के मैंने दोनों का रेशियो लिया और आंसर आया मेरे पास हाफ। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो दो क्वेश्चन ट्राई किए, अभी और कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके ऊपर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं, देखोगे क्या लिखा हुआ है, कैसे करना है। लिखा हुआ है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन फ्रॉम मेटल इज एक्स। दिया हुआ है क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी उसकी वैल्यू दी हुई है एक्स। ओके, व्हेन इट इज इरेडिएटेड विद, व्हेन इट इज इरेडिएटेड विद रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये कब आ रहा है, यहाँ पे सबको कॉमन लगेगा, ये कब आएगा, जब तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है जो न्यू है वो टू न्यू नोट के बराबर। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी एक्स कब है, जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी टू न्यू नोट के बराबर, मतलब ट्वाइस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। बिल्कुल, तो यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। बिल्कुल, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि न्यू की वैल्यू टू न्यू नोट है, तो न्यू की जगह टू न्यू नोट पुट करता हूं, तो टू इन टू एच न्यू नोट माइनस एच न्यू नोट, बिल्कुल चेक करोगे एक बार, इज इक्वल टू एच न्यू नोट, है ना। इसकी वैल्यू तुम्हें एक्स दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई, तुम्हें एक्स दिया हुआ है। ये ओवरऑल हमें दिया हुआ है कि जब फ्रिक्वेंसी तुम्हारी डबल हो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का, तब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी एक्स के बराबर होगी। जो हमने सॉल्व किया तो कितना निकल के आया, एच न्यू नॉट के बराबर। अब बोल रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल्ड, अगर मैं उसको डबल कर देता हूं, फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता हूं, तो बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब क्या किया, पहले न्यू था, अब उसको टू न्यू कर दिया। ये फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं, ये सेकेंड कंडीशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो टू न्यू कर दिया, तो यहां कितना हो जाएगा, फोर न्यू नोट, है ना। टू न्यू का मतलब क्या है, जो कि नई फ्रीक्वेंसी है उसको अगर मैं न्यू वन को ये बोलू, न्यू टू को बोलू मैं टू न्यू, टू न्यू का मतलब फोर न्यू नोट। बिल्कुल चीज क्लियर है, बस सेकेंड काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी टू इज इक्वल टू एच न्यू वन बोल दो यहां पे, तो एच न्यू टू माइनस एच न्यू नोट। एच न्यू टू की जगह क्या पुट करना है, टू न्यू, टू न्यू की जगह क्या पुट करना है, फोर एच न्यू, तो क्या मैं इसको सीधा फोर एच न्यू नॉट पुट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस एच न्यू नॉट, ये कितना आ गया, थ्री एच न्यू नॉट। ये किसकी वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी टू की वैल्यू है, किसके बराबर है, थ्री एच न्यू नॉट के बराबर है। एच न्यू नॉट किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, चेक कर पा रहे, ये फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी निकाला तो ये थ्री इन टू एच न्यू लिखा है, मतलब ये क्या लिखा हुआ, ये 3x यहां पर लिखा हुआ है। आई होप क्लियर हुआ होगा कैसे मैंने एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को रिलेट किया है और आंसर फाइंड आउट किया है। तो यहां पे अपना जो ऑप्शन सी है वो यहां पे अपना मैच होने वाला है। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है क्वेश्चन में क्लैरिटी आनी चाहिए, कैसे किया है, क्यों मैं इसको 3x आंसर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर आपने फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा, मतलब ये एक्स है तो ये टू एक्स हो जाएगा, तो हम भी पुट कर देते हैं। नहीं, पूरा इक्वेशन तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रही, काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रही है। इसकी वजह से इक्वेशन के अंदर तुम्हें सारी चीजें देखनी पड़ेगी। आई होप क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, या अगले क्वेश्चन की तरफ सॉरी। तो क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है की बात। लिखा हुआ है मेटेलिक सरफेस इज इरेडिएटेड अल्टरनेटिवली विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3000। पहले हमने एक लेमडा वन वाला 3000 एंगस्ट्रॉम वाला यहाँ पर हमने एक वेवलेंथ वाला रेडिएशन भेजा, फिर उसके बाद हमने 6000 वाला भेजा, लेमडा टू इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। It is observed that the maximum speeds of the photoelectron are in the ratio 3:1. अब यहाँ पे kinetic energy नहीं देखे, ratio दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ, ratio दिया हुआ। ठीक है, इस चीज को समझोगे यहाँ पे। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है कि हमें इस मेटेलिक सर्फेस का वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे W फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे किस तरीके से करना है।
सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी वन लिखूंगा जो कि होता है हाफ एम वी वन स्क्वायर। आई होप क्लियर हुआ होगा, ये चीज कर रहा हूं क्योंकि मुझे वेलोसिटी के फॉर्म में चीजों को लेके आना है, इसकी वजह से मैं ये लिख रहा हूँ। इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, मैं एच सी बाय लेमडा वन माइनस डब्ल्यू। ठीक है, देखो मैं लेमडा वन क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में वो दिया हुआ है। अगर फ्रिक्वेंसी दिया होता तो मैं एच न्यू लिखता। W क्यों लिख रहा हूँ, एच न्यू नोट क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे वही फाइंड आउट करना है। तो जो फाइंड आउट करना है मैं पहले से उसके लिए अप्रोच रखना स्टार्ट कर दूंगा। तो एच सी बाई लेमडा वन माइनस डब्ल्यू, ये पहली चीज क्लियर है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी टू क्या होगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा टू माइनस डब्ल्यू। आई होप क्लियर होगा। इसको इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर टू में पुट कर रहा हूँ। वन बाय टू मैंने किया, ठीक है, वन बाय टू अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, मास इलेक्ट्रॉन का है वो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा वी वन स्क्वायर बाय वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा वन माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एच सी बाय लेमडा टू माइनस डब्ल्यू। आई होप क्लियर होगा यहां तक, सबसे पहले बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो वी वन बाय वी टू दिया हुआ है लेकिन इसका स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा नाइन बाय वन, चेक करोगे एक बार, ठीक है, ये हो जाएगा नाइन बाय वन इज इक्वल टू नाइन बाय वन इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा वन माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एच सी बाय लेमडा टू माइनस डब्ल्यू। कैलकुलेशन पार्ट सबसे लास्ट में करेंगे, वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करेंगे, पहले लेमडा वन लेमडा टू डब्ल्यू के फॉर्म में क्वेश्चन को हम भेज रहे हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, उसको उधर मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा एच सी बाय लेमडा वन माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा टू माइनस नाइन डब्ल्यू। सॉरी, इसको नाइन एच सी लिख देते हैं, नाइन एच सी लेमडा टू, नाइन एच सी बाय लेमडा टू माइनस नाइन डब्ल्यू। आई होप क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। इसके बाद चलते हैं एट, नाइन डब्ल्यू को इधर लेके आते हैं, एच सी बाय लेमडा वन को उधर लेके जाते हैं, तो नाइन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एट डब्ल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू एच सी बाय नाइन एच सी बाय लेमडा टू माइनस एच सी बाय लेमडा वन। तो एच सी बाय लेमडा वन, एक एक लाइन को देखते हुए जाओगे, कोई नई चीज थोड़ा सा जल्दी लग रही है तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को फिर भी देख सकते हो। ए डब्ल्यू यहां तक तुम्हारे पास निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, सिंपल से मुझे थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को बना देता हूँ, ठीक है। तो नाइन एच सी बाय लेमडा टू हो गया, इसके बाद क्या करना है तुम्हें, इसके बाद डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एच सी कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से मैं बोल रहा हूँ एट डब्ल्यू इज इक्वल टू एच सी कॉमन लिया नाइन बाय लेमडा टू माइनस वन बाय लेमडा वन। क्लियर, यहां तक चीजों यहां तक तुम्हें चीजें क्लियर होगी। फिर यहां से W क्या हो जाएगा, एच सी बाय एट इंटू नाइन बाय लेमडा टू क्या है, अब वैल्यू पुट करते हैं। लेमडा टू कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे होगा 6000 इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन, हाई ना, 6000 इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन माइनस वन बाय 3000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको मैं लिख दूंगा 3000 इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन। किस क्लियर है, 3000 इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन लिखा हुआ है वो। अब देखो ये है 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर माइनस टेन, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर माइनस टेन, तो इस पूरी वैल्यू को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, चेक करोगे एक बार, 6 इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन, ठीक है। और इसको मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन, चेक करोगे एक बार, ठीक है। 6000 के अंदर 10 टू द पावर 3 था, उसको मैंने 10 टू द पावर माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, W इज इक्वल टू आ गया एच सी डिवाइडेड बाय, ठीक है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 9 बाय 6 को लिख दिया 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, चेक करोगे एक बार, बहुत सिंपल सी चीज है। 9 बाय 6 को 3 बाय 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। छोटी छोटी कैलकुलेशन को मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे 9 बाय 2 को मैंने वो लिख दिया। इसके बाद थोड़ी सी और मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो ये वाली चीज आई थिंक तुम लोग अब समझ चुके होंगे कि ये क्या किया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रब कर देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो W इज इक्वल टू H की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, C की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, सॉरी पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7,
इनटू, इसको सॉल्व करोगे, 3/2 में से 3 कॉमन लिया हमने, सॉरी 6 कॉमन लिया, 3 आया 9 माइनस 2, ठीक है, तो ये आएगा अपने पास कितना 7/6, चेक करोगे एक बार, ये आ जाएगा अपने पास 7/6, ये आएगा अपने पास जूल के अंदर वैल्यू, बिल्कुल जूल के अंदर आएगा, इसको हमें कन्वर्ट करना है, किसके अंदर, इसको हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो क्या करोगे सिंपल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए 1/1.6 × 10⁻¹⁹ से तुम इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, आंसर आएगा 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चेक करोगे एक बार, प्रोसेस चेक करोगे एक बार, सॉरी प्रोसेस चेक करोगे एक बार किस तरीके से निकाला है, किस तरीके से 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप तुम्हारे सामने आंसर निकाल के लाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार हम इसकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं 7/6, आई होप एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ए पार्ट जिसका आंसर है 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो बाद में भी, ठीक है, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन चलने वाले हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन चलने वाले हैं, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, मैक्सिमम स्पीड हमें पता लगाना है, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी 1 ½ mv² ℎ(nu₁ − hc/λ₁ − w, आया ना, ये हो जाएगा हाफ m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 9.1 × 10⁻³¹ kg, h की वैल्यू 6.626 × 10⁻³¹ × 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय λ₁ कितना था 3000 मीटर में चेंज करेंगे 3000 × 10⁻¹⁰ माइनस W की वैल्यू अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट नहीं करना है क्योंकि सारी वैल्यू जूल में पुट कर रहे हैं तो इसको भी जूल में पुट करना है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि उसकी वैल्यू जूल के अंदर क्या होगी 2.91 × 10⁻¹⁹ होगी चीज क्लियर है यहां तक इंटू यहां पर तुम्हारा v² हाफ एम v² यहां से निकल के आ जाएगा आई होप यहां तक क्लियर होगा तो एक बार इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन करोगे तो v² = तुम्हारे पास आएगा 82 × 10⁻¹⁰, ठीक है ये तुम्हारे पास कुछ निकल के आएगा तो इसको सॉल्व करोगे तो v1 निकल के आएगा 9.03 × 10⁵ मीटर पर सेकंड ठीक है कैलकुलेशन पार्ट है पूरा का पूरा आराम से करना है तुम लोगों को समझना है क्या किया है हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इसको सॉल्व करोगे इसमें से इसको माइनस करोगे यहां से इसको डिवाइड करोगे वी वन स्क्वायर आएगा वी वन स्क्वायर का रूट लेके ये आंसर आएगा ठीक है वी वन निकल गया वी वन मतलब पहला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्पीड निकल गया वी वन बाय वी टू की वैल्यू थी 3/1 आया ना तो तुम्हें सिंपल सा क्या करना है वी टू हो जाएगा वी वन बाय थ्री मतलब वी वन है 9.03 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 3 चेक करोगे एक बार तो ये आएगा 3.01 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे मीडियम क्वेश्चन बोल सकते हैं यहाँ पे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझ में आना चाहिए किस तरीके से किया है किस तरीके से हमने यहाँ पे आंसर फाइंड आउट किया है आई होप क्लियर हुआ होगा एक और क्वेश्चन ट्राई करना है यहाँ पे वो भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होने वाला है इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो उसको तुम अपनी तरफ से एक बार ट्राई कर सकते हो तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट भी तुम लोगों को मैं समझाने वाला हूँ ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को प्लस क्वेश्चन के जो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उसको भी लिखा हुआ है व्हेन अ मेटल सरफेस इज इरेडिएटेड विद द रेडिएशन ऑफ अ वेवलेंथ 1500 angstrom ठीक है एक वेवलेंथ है लैम्डा 1 जो कि है 1500 angstrom द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थ्राइस ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स तो थ्राइस दिया हुआ है मतलब के ई वन जो है वो कितना है वो है 3 × Ke₂ ये हमें यहाँ पे गिवन है Ke₁ = 3 × Ke₂ है तो यहां से आएगा तुम्हारे पास Ke₁ / Ke₂ = 3/1 आई होप क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ Ke₁ / Ke₂ = 3/1 Ke₁ क्या होगा
के ई वन होगा एच सी बाय लेमडा वन माइनस डब्ल्यू, के ई टू क्या होगा एच सी बाय लेमडा टू माइनस डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर टू है के ई वन बाय के ई टू इक्वल टू थ्री बाय वन इक्वल टू एच सी बाय लेमडा वन माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एच सी बाय लेमडा टू माइनस डब्ल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको इधर ये हो जाएगा थ्री एच सी बाय लेमडा टू माइनस थ्री डब्ल्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा वन माइनस डब्ल्यू। सॉल्व करोगे इसको तो ये टू डब्ल्यू इज इक्वल टू इसको उधर भेजो इसको इधर लाओ ये होगा थ्री एच सी बाय लेमडा टू माइनस एच सी बाय लेमडा वन। इस क्लियर है, पहले तरीके का क्वेश्चन बन गया। वहां पे बस वेलोसिटी का रेशियो दिया था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ से 2W की वैल्यू 3hc by lambda 2 minus hc by lambda 1 ने वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। तो सिंपल hc कॉमन निकाल लेते हैं, hc कॉमन निकलेगा तो 2W is equals to hc 3 by lambda 2 minus 1 by lambda 1। ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा अपने पास। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। चलो सोल्व करोगे 2W इज इक्वल टू एच सी, टू को मैं नीचे पुट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 3 बाय लेमडा 2। लेमडा 2 कितना था मेरे पास 3000 था, तो 3000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 माइनस 1 बाय 1500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। यहां तक चीज क्लियर होगी आई थिंक। इसके बाद तुम्हें इस चीज को सॉल्व करना है, कैसे करना है, सिंपल सी चीज है W इज इक्वल टू एच सी 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करोगे, इस पूरी चीज को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि वो वैल्यू तुम्हारे पास क्या निकल के आएगी। यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 10 कॉमन निकाल लोगे तो फिर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 3 बाय 3000 माइनस 1 बाय 1500। बिल्कुल आई होप क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं कैसे चीजों को कर रहा हूँ। अब मैं सीधा कैलकुलेशन पार्ट तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन तुम लोगों को करना है। W की वैल्यू क्या आएगी लिख देता हूँ, 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करने पे आएगा 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ए ऑप्शन का आंसर तुम्हारे पास निकल के आएगा W का। सेकंड क्वेश्चन है मुझे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के लिए कुछ नहीं करना है, W इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू नॉट। W है 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू, ये जूल के अंदर था, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड किया है, इज इक्वल टू एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू नॉट। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो न्यू नोट कैसे निकलेगा, न्यू नोट आएगा 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। चीज क्लियर है आई थिंक। तो न्यू नोट का आंसर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ये आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ये बी ऑप्शन का आंसर तुम्हारे यहाँ पे मैच होने वाला है, चेक करोगे एक बार कि किस तरीके से करना है। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन पहले जैसा ही था, पहले जिस तरीके से क्वेश्चन किए वैसा ही था। सी ऑप्शन तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है और सी ऑप्शन का मीनिंग तुम लोगों को यहाँ पर क्लियर होना भी चाहिए कि सी ऑप्शन तुमसे क्या करवाना यहाँ पर चाहता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अपन सी ऑप्शन को देखते हैं और आंसर निकालते हैं अकॉर्डिंग टू सी ऑप्शन। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि हमें इतना मिनिमम पोटेंशियल लगाना है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाए, ठीक है। तो वो इतना इफेक्ट कब लगा पाएंगे, जो हम काइनेटिक एनर्जी जो एक्स्ट्रा जा रही है, अगर उस एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी को हम किसी ना किसी तरीके से रोक दें तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी रुक जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सिंपल किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव पार्ट की तरफ।
तो यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करूंगा। काइनेटिक एनर्जी होगा यहाँ पर एच सी बाय लेमडा माइनस डब्ल्यू। देखो लेमडा 4000 दिया हुआ इसमें, तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, हो सकता है तो तुम इस वाली वैल्यू को, इस मल्टीप्लीकेशन को सीधा लिख सकते हो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3428 माइनस 26। ठीक है, ये भी लिख सकते हो तो कैलकुलेशन तुम्हारा थोड़ा इजी हो जाएगा, तो ये भी एक अच्छा चीज होता है। डिवाइडेड बाय लेमडा कितना है 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू है 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आई होप ये चीज तुम लोगों को पता होगी। यहां से जो तुम काइनेटिक एनर्जी निकालोगे वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। इसको जब तुम कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर आएगा 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आया काइनेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो कि होता है माइनस 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कैसे आया समझ में आ गया होगा आई थिंक। काइनेटिक एनर्जी जितना एक्स्ट्रा जा रहा है उसको रोक देंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने आप रुक जाएगा, तो उसके नेगेटिव जितना पोटेंशियल अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो अपना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है माइनस 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्वेश्चन थे आज के रिलेटेड टू हम बोल सकते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को एक बार चेक करोगे, खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे किसका आंसर कैसे निकाला है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझ में आने चाहिए। यहाँ पे कुछ और सिंपल से कुछ थ्योरी है, सिंपल से कुछ डेफिनेशन है, वो एक बार क्लियर कर देता हूँ तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे बनता है, वो की है कि जो भी फ्रिक्वेंसी होती है उसका नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रिलेशन। ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ कि फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई रिलेशन नहीं रखती। ठीक है, फ्रिक्वेंसी अगर तुम बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने वाले नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये मेटल है उसके मैंने ऊपर कोई लाइट इरेडिएट की, तो अगर तुमने इसका फ्रिक्वेंसी न्यू वन पहले रखा था उसके बाद न्यू टू कर दिया और न्यू वन ग्रेटर देन न्यू टू है, मतलब पहले वाली फ्रिक्वेंसी ज्यादा थी, तो पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। बस सिंपल सा इतना ही यहाँ पे रीजन है और कोई रीजन नहीं है और कोई और डिफरेंट चीज यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये नहीं है कि पहले 5 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे तो अब 6 इलेक्ट्रॉन होने लग जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ पे हम क्योंकि उस पे किस पे फर्क पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी पे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो अगर तुमने न्यू को इंक्रीज किया तो ये इंक्रीज होगा, ना कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर कोई तुम्हें बोलता है कि अगर मैं फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो क्या नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, तो नहीं होंगे। ठीक है, एक तरफ मैं नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स रख रहा हूं, एक तरफ मैं फ्रिक्वेंसी रख रहा हूं। फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे तो भी नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हमेशा सेम रहेंगे हर फ्रिक्वेंसी पर। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, सेकंड पॉइंट है, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी का मतलब है कि हमने उसका क्या बढ़ा दिया, हमने उसका जो इफेक्ट था वो ज्यादा कर दिया, तो वो ज्यादा मेटल के इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इंटेंसिटी की अगर बात करेगा तो ये प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन फ्रिक्वेंसी की बात करेगा तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पे फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है समझ में आना चाहिए। W लेस देन होना चाहिए तुम्हारा E से, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि न्यू ग्रेटर देन होना चाहिए न्यू नॉट से। ये कंडीशन है, ये समझ में आ रहा होगा कि अगर तुम्हारा E मतलब
लेस देन इक्वल टू बोल सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू बोल सकते हो। यहाँ पे ये कंडीशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए होती। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखने वाले हैं। तो आई थिंक तुम्हें जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवाए हैं वो समझ में आए होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ या कुछ नए टॉपिक के साथ। लेक्चर के नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तुम वहाँ से जाकर लिख सकते हो। बाकी ध्यान रखो अपना और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। तब तक के लिए रहेगा मेरी तरफ से